हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HFCL लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए 75 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 100 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है 91 रुपीज पर। 91 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बना था जहां से स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। जहां पर स्टॉक के अंदर अब एक रुकावट रेंज है 101 रुपीज पर, क्योंकि 101 रुपीज पर देखें तो स्टॉक ने लगभग 3 टाइम्स सेम प्राइस को रीटेस्ट करके ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो जब तक स्टॉक ऊपर में 102 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं बना लेता, स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली लॉन्ग टर्म में आनी मुश्किल है। क्योंकि स्टॉक में पहले भी 101 रुपीज के प्राइस को स्टॉक ने रीटेस्ट किया है पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर स्टॉक ऊपर में 102 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 118 रुपीज के टारगेट जल्दी अचीव करता हुआ नजर आएगा। पर जब तक स्टॉक नीचे में 101 रुपीज से ऊपर रहता है तब स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि स्टॉक अगर यहां से नीचे आता है अराउंड 99 रुपीज के एवरेज में तो वहां पर स्टॉक के अंदर फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जहां पर स्टॉक नीचे में 92 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में 92 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।